अति उत्तम है। महावीर की अंतिम वाणी है, ये अद्भुत जीवन कल्याणी है और उसकी तैयारी भी पूरी हो गई है। आगम यात्रा, ये उत्तराध्ययन सूत्र में 36 अध्ययन है, 36 जोड़े तैयार किए हैं, सब पुरुषार्थ किया है। अलका ने, एनी ने, नलिनी ने, शैली ने, इन सब ने मिलकर के पुरुषार्थ किया है और एक आगम यात्रा की शोभा यात्रा एक सुंदर तरीके से सिस्टमैटिक रूप से कल जो देखने को आपको मिलेगा वो नज़ारा अगर देखना हो तो सही 7:45 पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। कोशिश तो करें 7:30 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और बिल्कुल लास्ट वाली गली से हम चलेंगे। सबसे आगे हमारे अध्यक्ष अनिल जी और चंदना जी एक बैनर लेकर के चलेंगे, जैनम जयति शासनम का बैनर होगा और उनके पीछे हम होंगे, क्योंकि संघ का अध्यक्ष सबसे आगे रहता है, उनके पीछे हम होंगे संत और मेरे पीछे चतुर्मास कमेटी के चेयरमैन भाई नवनीत जी और नलिनी प्रतिनिधि के रूप में होंगे और उसके पीछे दो लाइनें इधर, एक इधर लाइन, एक इधर लाइन, यानी एक जोड़ा इधर रहेगा, एक जोड़ा उधर रहेगा। महिलाओं की ड्रेस निश्चित हो गई है, वो पहुंच गई होगी और जेंट्स को कुछ ज़्यादा उलझना है ही नहीं, आपको तो केवल सफ़ेद कुर्ता पजामा या पैंट सुपारी सूट जो भी वाइट रंग कलर का है वो आपने लेना है और महिलाओं के सिर के ऊपर उत्तराध्ययन सूत्र होगा। और मैं तो तुम्हें सौभाग्यशाली मानता हूँ कि भगवान की वाणी को आपको अपने सिर पर उठाने का सौभाग्य मिल रहा है, सौभाग्य। मैं सच कहता हूँ अगर आप में इसका आनंद अगर अनुभव हो गया कि मैं कितनी सौभाग्यशालिनी हूँ कि जिन वाणी को सिर पर उठाने का मुझे सौभाग्य मिला है, ये भावुकता या आत्मीयता जिनवाणी के प्रति अगर मेरी बहनों में आ गई तो क्या पता जिनवाणी उठाते उठाते तुम भी जिनेंद्र वाणी के कारण बन जाओ, क्या पता चलता है। और जो जेंट्स हैं, जो पुरुष समुदाय है, जोड़ा जो पति का भूमिका रहेगी, प्रत्येक एक एक अध्ययन का नाम का एक स्लोगन पट्टी रहेगी जो उठा करके वो चलेगा। उत्तराध्ययन उठाएगी महिला और उत्तराध्ययन के पहले पहला अध्ययन क्या, दूसरा अध्ययन क्या, तीसरा अध्ययन क्या, यानी 36 अध्ययनों का एक पट्टी के रूप में परिचय रहेगा। तो इस प्रकार एक भव्य शोभा यात्रा होती हुई 8:30 या 8:25 तक यहाँ पर पहुँचेगी और उसके बाद हम उत्तराध्ययन सूत्र को प्रारंभ करेंगे। ये अद्भुत होगा, अद्भुत होगा और कोशिश कीजिएगा इस प्रभु महावीर की अंतिम वाणी का रसास्वादन करने का। और ये सिलसिला 27 दिनों तक चलेगा, यानी दिवाली के दूसरे दिन तक चलेगा, जिसको हम गौतम प्रतिपदा कहते हैं, पाड़वा बोलते हैं महाराष्ट्र में या प्रतिपदा बोलते हैं, गौतम की प्रतिपदा होती है क्योंकि उसी रात्रि में, मध्य रात्रि में भगवान को निर्वाण हुआ है और दिन निकलने से पहले गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ है। तो वो दृश्य भी देखना है, निर्वाण की कथा है, वो हम दूसरे दिन सुनाते हैं। तो ये सब चीज़ जुड़ती चली जाएगी, आपको तल्लीन होकर के आनंद लेना है, जिन वाणी की यात्रा करनी है, श्रुत देव की आराधना ही करनी है। और प्रभु महावीर ने 36 अध्ययनों में, क्योंकि देखा जाए तो मैं 4-4 महीने तक भी सुना सकता हूँ उत्तराध्ययन को, लेकिन एक छोटा सा परिचय, एक छोटी सी रूपरेखा, एक बड़ी मिठास से भरी हुई उसका परिचय आपको आता जाएगा, सुनते जाना, उसमें डूबते जाना। और ये जिनवाणी हम सब के लिए बने कल्याणी, इस संकल्प के साथ करेंगे उत्तराध्ययन श्रुत देव की आराधना, है ना। वीर नाम के हीरे मोते, गुरु नाम के हीरे मोते, मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले।